इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तेणु लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन बुझा पूर्व आमको प्रथम लास्ट वीडियो को जीवाक पड़ो जो थे कि मु रिफ्रैक्शन थ्रो ए रेक्टांगुलर ग्लास लैब और रिफ्रैक्शन थ्रो ए सिंगल ग्लास लैब बतईली ताकू प्रथम पढ़ले जाए लैटरल डिस्प्लेसमेंट विषय जापर। तेणु रिफ्रैक्शन थ्रो ए सिंगल ग्लास लैब और रिफ्रैक्शन थ्रो ए रेक्टांगुलर ग्लास लैब कौन पढ़ते ना यहाँ गोटे ग्लास लैब निला जो थर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी बोली निया जाए थला एवं ताकू गोटे एयर मीडियम रे रखा जाए थला जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो म्यू ए। तेणु प्रथम गोटे रे ऑफ लाइट आसिकी इंसिडेंट होता ग्लास लैब रे एथरे कौन होता ना एयर मीडियम रु रे ऑफ लाइट ग्लास मीडियम को रिफ्रैक्शन होता एवं ग्लास मीडियम रु पुणी रिफ्रैक्शन हो रे ऑफ लाइट एयर मीडियम को पलाऊला। तेणु ये दुटा रिफ्रैक्शन हो प्रथम केस्रे जिते बड़े रे ऑफ लाइट एयर मीडियम रु ग्लास मीडियम को आसुचे एवं सेकेंड रिफ्रैक्शन होते बड़े पुणी ग्लास मीडियम रु एयर मीडियम को जाऊँ। तेणु या प्रति आम गोटे नॉर्मल काटिले या प्रति गोटे आम नॉर्मल काटिले जार ना देले एन वन ये हैला आमर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तेणु जदि आमर मीडियम चेंज हो नाता तेल रे ऑफ लाइट ये किसी गोटे वे जाता जेहेतु आमर मीडियम चेंज हो रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को रे ऑफ लाइट आसुची तेणु सी कौन हम ना टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो तेणु नॉर्मल आड़ को सी बेंड हो रिफ्रैक्शन है पुणी स्ट्रेट लाइन पाथ रे गला कहीं मीडियम रो चेंज हो ना से ग्लास स्लैब देकी रे ऑफ लाइट मूव करुचे एवं जिते बड़े पुणी तार पारि आसला जे ग्लास मीडियम रु एयर मीडियम को जीव तेणु ये पुणी सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हम यही पॉइंट प्रति आम गोटे पुणी नॉर्मल काटिले जार ना एन टू बोली देले नॉर्मल। तेणु जेहेतु प्रथम रे ऑफ लाइट मूव करूला ग्लास मीडियम रे एवं वर्तमान से रिफ्रैक्शन करिवो को मीडियम को ना एयर मीडियम को गति करिवो तेणु ये रिफ्रैक्शन हम ये थिला डेंसर मीडियम एवं ये एयर होची रेयरर मीडियम। तेणु रेयरर जिते बड़े डेंसर मीडियम रु रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम को जाते बड़े कौन हो ना अवे फ्रॉम नॉर्मल सी बेंड हो जाऊँगी तेणु अवे फ्रॉम नॉर्मल सी बेंड हो जोड़ा कि केते एंगल कर नॉर्मल सहित ना ई बोली कहा जाता एंगल ऑफ इमरजेंस आकला इमरजेंट रे एवं या दि जाइला आई टू बोली दि जाइला सेकेंड केस इंसिडेंट रे ये थिला आमर फास्ट केस पाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तेणु आकु जदि आम एक्सटेंड करवा ये भाग किसी गोटे जाता जदि आमर रे ऑफ लाइट ग्लास मीडियम न हो कि न था या जदि हटे केवल एयर मीडियम जाइले सी कौ भाया स्ट्रेट लाइन पाथ रे सी जाता जेहेतु आम गोटे रखिंट ग्लास मीडियम रे रखिले भितरे तेणु कौन है सी बेंड हो कि रिफ्रैक्शन है जो फल सी ए रे गला। तेणु वर्तमान आम लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये आम बतई पारा जे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन आज लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस को याकु आमे लैटरल डिस्प्लेसमेंट बा एक्स द्वारा डिनोट करा जाउची वर्तमान क्लियर है ना जदि याकु आमे ओ बोली ना देले याकु ए देले याकु बी देले आउ याकु सी देले तेणु कौन हम याकु ओ ए बी सी देले वर्तमान लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है क्या कहुच्छे लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन आज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तेणु आम जदि भितर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेकोसी जगह ये मापिबा सबुड़ी से एक्स सामान आसो जो भी आम मापिबा से सबुड़ी से एक्स सामान आसो जोटा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह इंसिडेंट रे
एवं इमरजेंट रे सब बेले परस्पर प्रति पारालाल हेकि जिवे तेणु जेकोसी जगार आम डिस्टेंस मापिबा सब जगार सामान रोटा को आम एक्स बोली सूचाई तेणु यार जब लैटरल डिस्प्लेसमेंट रो आम डेफिनेशन लिखा तेल कौन लिखा ना इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे तेणु जदि तापाई आम एक्सप्रेसन बाहर करवा आम नवा क्या ना दुईटा ट्रायंगल भितर कंपेरिजन करने को पड़ो गोटे हूँ ट्रायंगल ओ सी ए एवं आउ गोटे ट्रायंगल हूँ कौन ना ओ बी ए दुईटा ट्रायंगल भितर आमको कंपेरिजन करने को पड़ो तेणु इन ट्रायंगल ओ सी ए लैटरल डिस्प्लेसमेंट रो डेफिनेशन जोड़ा कहली सेटा नोट करी नबो इन ट्रायंगल ओ सी ए एठी कौन ना ये होजी आमर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होजी एवं एई ग्लास स्लैब रो थिकनेस होजी टी होजी तेणु याकू एक्स निया जाइजी काकू ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोली निया जाइजी तेणु इन ट्रायंगल ओ सी ए ट्रायंगल रे कॉस आर इक्वल टू केते हबो कॉस आर इक्वल टू केते हबो ना कॉस आर इक्वल टू केते हबो सी ए अपन ओ ए सी ए बाय ओ ए सी ए अपन ओ ए ताको आमे को भेला लेखि परबा ना ओ ए इक्वल टू सी ए बाय कॉस आर लिखी परिवा याकु देले आमे इक्वेशन नंबर वन इन सेकेंड ट्रायंगल ओ बी ए सेकेंड आमे को ट्रायंगल को नेले ना ट्रायंगल ओ बी ए ट्रायंगल को जते बेला आमे नेले तेणु ये होजी कौन ना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यारो अपोजिट एंगल ये किए ये तेणु यार आंगेल केमाउंट ये टोटाल आंगेल के आई हम एवं आमको पाइबार केवल अच्छे कौटा ना यही आंगेल आमको पाइबार अच्छे तेणु यही आंगेल केदी टोटाल आंगेल रु आम यही आंगेल माइनस करदे तेल आम यही आंगेलटा पाइबा तेणु दिस आंगेल इक्वाल टू आई माइनस आर यही टोटाल आंगेल समुदाय आंगेल के आई कहीं यार है ये अपोजिट आंगेल तेणु ये है आई माइनस आर ए आंगेल तेणु इन ट्रायंगल ओ बी ए ट्रायंगल रे साइन आई माइनस आर इक्वल टू केते ना एक्स बाई ओ ए एक्स बाई ओ ए जदि आम ओ ए को ए फोटो को आणुचे ओ ए इक्वाल टू एक्स बाई साइन आई माइनस आर याकु देले इक्वेशन नंबर टू तेणु कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट आमे कौन पाइले ना यार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यार लेफ्ट हैंड साइड सहित सामान ओ ए दुई पार्ट्रे तेणु ऑटोमेटिकली सी ए बाय कॉस आर इक्वल टू कहा सहित सामान हम एक्स बाय साइन आई माइनस आर सी ए अपन कॉस आर इक्वल टू एक्स अपन साइन आई माइनस आर तेणु आमको कहार डिस्टेंस बाहर करार अच्छे कौन बाहर करार अच्छे ये ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट आमको बाहर करार अच्छे जहाँ को आम एक्स द्वारा डिनोट करा तेणु एक्स इक्वल टू केते हबो ना एक्स इक्वल टू सी ए बाय कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर तेणु कौन पाइले इम्प्लाइज दैट x इक्वाल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट इक्वाल टू सी ए आमर कौन सी ए जोड़ा कि कहा सहित सामान ना ग्लास रो थिकनेस सहित सामान जोड़ा को आम टी बोली नहीं तेणु सी ए जगार आम कौन पुट करपरिया टी बोली पुट करपरिया टी अपन कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर इम्प्लाइज दैट x इक्वाल टू
टी इंटू साइन आई माइनस आर इंटू वन बाय कॉस आर इक्वल टू कौन ना सेक आर वन बाय कॉस आर इक्वल टू सेक आर विच इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर तेणु एक्स आईडी कौन ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे टी होची कौन ना थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तेणु ये थिला हमर कौन लैटरल डिस्प्लेसमेंट Lord Jagannath Academy, happy to help you for more queries, contact us.